दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि जब से बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान की एंट्री हुई है बॉक्स ऑफिस पर, ये फिल्म तब से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भैया इन दिनों जितनी भी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो रही हैं उन फिल्मों को कमाई के मामले में जबरदस्त पटखनी दे रही है मेरे भाई। यानी कि भैया भले ही पठान को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 33 दिन हो चुके हैं, भैया इससे कोई फर्क इस फिल्म के बिजनेस पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म ने 33वें दिन के माध्यम से अपना 5वां वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है। और भाई आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही जब कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो कि अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि आला वैकुंठ पुरा मुल्लू की ऑफिशियल रिमेक थी, भाई वो फिल्म सिनेमाघरों में आकर थोड़े दिन ठीक ठाक बिजनेस की और उसके बाद भैया इस फिल्म को पठान ने बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पटखनी दे दी। देन उसके बाद भाई बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी सिनेमा घरों में रिलीज हुई और भाई इस फिल्म का हाल तो शहजादा से भी बुरा हुआ मेरे भाई। यानी कि भैया ये फिल्म भी साउथ इंडस्ट्री की एक सुपर डुपर हिट फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल रिमेक थी, जिसकी वजह से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर पठान से शहजादा से भी बुरी तरह से पटखनी खा चुकी है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म ने 3 दिनों के माध्यम से अपना पहला वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है और भाई इन 3 दिनों में इस फिल्म को PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस से जिस तरह का कलेक्शन मिला है इसको देखने के बाद सेल्फी को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई ऑडियंस ने अक्षय कुमार के साथ सेल्फी नहीं लेने का मन बना लिया है। यानी कि भी अगर हम बात करें पहले पठान के इन 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की यानी कि भैया 5वें वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट की, तो भैया इस फिल्म को PVR से 31वें दिन कितने का कलेक्शन मिला था, तो भाई वो आंकड़ा था 25 लाख रुपीज़ का। उसके बाद 32वें दिन इस फिल्म को PVR से कितने का कलेक्शन मिला था, तो भाई वो आंकड़ा था 51 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद इस फिल्म को 33वें दिन यानी कि कल जो PVR से कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 55 लाख रुपीज़ का। यानी कि भैया इस 5वें वीकेंड के माध्यम से इस फिल्म ने PVR से जो कलेक्शन किया है अब तक वो आंकड़ा है 1 करोड़ 31 लाख रुपीज़ का। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया सेल्फी की, तो भैया सेल्फी को पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर PVR से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 64 लाख रुपीज़ का। उसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म को PVR से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 87 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद इस फिल्म को तीसरे दिन जो PVR से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 96 लाख रुपीज़ का। यानी भैया 3 दिन में से एक भी दिन इस फिल्म को 1 करोड़ का आंकड़ा छूने का मौका नहीं मिला। यानी कि भाई पहले वीकेंड के माध्यम से इस फिल्म ने PVR से जो कलेक्शन किया है अब तक वो आंकड़ा केवल 2 करोड़ 47 लाख रुपीज़ का है। उसके बाद अगर हम बात करें भैया आइनोक्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट की, तो भैया आइनोक्स से पठान को जो 5 दिनों में कलेक्शन 5वें वीकेंड के माध्यम 5 दिनों में मैं बोलिया यार 5वें वीकेंड के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 18 लाख, उसके बाद में 38 लाख और 23 लाख। यानी कि भैया 3 दिनों के माध्यम से यानी कि भैया 5वें वीकेंड के माध्यम से पठान को जो आइनोक्स से कलेक्शन मिला है 3 दिनों में वो आंकड़ा है 1 करोड़ 79 लाख रुपीज़ का। और वहीं पर अगर हम बात करें भाई सेल्फी की, तो भैया सेल्फी को पहले वीकेंड में आइनोक्स से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 43 लाख, 60 लाख और 65 लाख रुपीज़ का। यानी कि भैया 3 दिनों में इस फिल्म ने आइनोक्स से जो कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 1 करोड़ 68 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद अगर हम बात करें सिनेपोलिस की, तो भैया सिनेपोलिस से 31वें दिन जो पठान को कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 10 लाख रुपीज़ का। उसके बाद 32वें दिन पठान को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 23 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद 33वें दिन इस फिल्म को जो सिनेपोलिस से कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 26 लाख रुपीज़ का। यानी कि भैया 5वें वीकेंड के माध्यम से पठान को सिनेपोलिस से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 59 लाख रुपीज़ का। और भाई यहीं पे अगर हम बात कर भैया सेल्फी के पहले वीकेंड के कलेक्शन की, जो कि भैया उसे सिनेपोलिस से हासिल हुई है, तो भाई वो आंकड़ा है 23 लाख, 36 लाख
और 36 लाख रुपीस, यानी कि भैया 95 लाख रुपीस का बिजनेस इस फिल्म को सिनेपोलिस से पहले वीकेंड के माध्यम से मिला है। यानी कि भैया अगर हम भाई डे वाइज बात करें तो भैया 31st डे को, यानी कि भैया पठान के 31वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर आईनॉक्स, PVR और सिनेपोलिस से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 53 लाख रुपीस का। उसके बाद 32वें दिन इस फिल्म को जो कलेक्शन मिला था इन तीनों PVR तीनों मल्टीप्लेक्स से, तो भैया वो आंकड़ा था 1 करोड़ 12 लाख रुपीस का। और उसके बाद भैया इस फिल्म को 33वें दिन इन तीनों मल्टीप्लेक्स से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 1 करोड़ 28 लाख रुपीस का। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया सेल्फी की, तो भैया सेल्फी को इन तीनों मल्टीप्लेक्स के माध्यम से पहले दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1 करोड़ 30 लाख रुपीस का। और उसके बाद इस फिल्म को दूसरे दिन इन तीनों मल्टीप्लेक्स से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1 करोड़ 82 लाख रुपीस का। और उसके बाद भैया इस फिल्म को तीसरे दिन यानी कि संडे को कल जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 1 करोड़ 97 लाख रुपीस का। यानी कि भाई सेल्फी भी बुरी तरह से पठान के सामने धराशाही हो गई है। यानी कि भाई पठान जो है वो 34वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करती नज़र आ रही है, और भाई सेल्फी जो है वो ऑडियंस का इंतज़ार कर रही है कि कोई आओ हमारे साथ अपना सेल्फी लेकर जाओ। तो भाई ऑडियंस ने तो वाकई में एक बार फिर से डाइवर्ट कर दिया है दिमाग भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े क्रिटिक्स का, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों का, कि भैया ऑडियंस के दिमाग में चल क्या रहा है। ये वही ऑडियंस है ना जो आज से कुछ दिनों पहले भैया दृश्यम के पार्ट टू को बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट दी थी, और वही ऑडियंस अब एक बार फिर से रिमेक फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू कर चुकी है। तो भाई ऑडियंस के मन की बात तो ऑडियंस ही जाने, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस दिनों भैया इस फिल्म के नाकामयाबी को देखने के बाद, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।